दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एम कनेक्ट प्लस यूज करते हैं, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, मोबाइल बैंकिंग से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कैसे करते हैं, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा टू बड़ौदा या दूसरे बैंक में ट्रांसफर कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए आपके पास एप्लीकेशन पासवर्ड और एम पिन होना चाहिए, तभी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर में नहीं होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उस पर क्लिक करके और वाला वीडियो देख के अपना एप्लीकेशन पासवर्ड और एम पिन बना लीजिएगा, उसके बाद ही आप पैसा ट्रांसफ़र कर पाएंगे। जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा ट्रांसफ़र कैसे करना है, और एंड में भी मैं लगा दूंगा कि आपको अपना एम पिन और एप्लीकेशन पासवर्ड बनाने वाला वीडियो, तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा। मैं लास्ट में बताऊँगा कि इस पर जब क्लिक करेंगे तो आप सीधा उस वीडियो पर चले जाएंगे जिस पर एम पिन और एप्लीकेशन पासवर्ड बनाया जाता है, बट इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए मैं अपना एप्लीकेशन पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेता हूँ, तो आप लोग भी अपना डाल के लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद माई अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए मेरा बैलेंस कुछ इतना है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखा देगा कि बैलेंस जो भी है आपका दिखा देगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र करने के, यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पे है बैंक ऑफ बड़ौदा टू बड़ौदा ट्रांसफ़र करना है, दूसरे वाले पर क्लिक कीजिएगा। अगर मैं यूनियन पंजाब वगैरह वगैरह में ट्रांसफ़र करना है बैंक ऑफ बड़ौदा छोड़ के, तो ये ट्रांसफ़र टू अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको ओके, और उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर कंफर्म, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है, और रिमार्क्स में हाय हेलो या प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो पैसा सामने वाले के पास चला जाएगा। बट ये सोच रहे हैं कि उसका अकाउंट नंबर ऐड हम कर लें, ठीक है। ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड कर लेंगे तो बाद में उसे दोबारा ऐड नहीं करना पड़ेगा, बाद में सीधा इस पर क्लिक करेंगे जैसे पहले से ऐड है। और देखिए जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सीधा भर जाएगा, बस पैसा डालेंगे और प्रोसीड करेंगे, कंफर्म करेंगे, पैसा चला जाए। बट आपको ऐड कैसे करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस वाला पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे निक नेम डालना है। निक नेम मतलब उनको क्या बोलते हैं ये आपको डालना है। यहाँ पे उनका जो अकाउंट से नाम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना है, फिर से अकाउंट नंबर यहाँ फिल करना है। यहाँ पे अकाउंट टाइप में सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है सामने वाला पूछ लीजिएगा। अगर मैं करंट होगा तो यहाँ पे अदर पर क्लिक कीजिएगा, और अगर मैं बोलेंगे कि सेविंग है सेविंग पर क्लिक कीजिएगा। अगर मैं बोलेंगे कि मेरे को खुद को नहीं मालूम है तो आप सेविंग अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप उनका आईएफएससी कोड मांग लीजिएगा, जो भी आईएफएससी कोड ही डालते ही बता देगा कि ब्रांच कहाँ पे। देखिए यहाँ पे मेरा ब्रांच बता दिया जिनके पास मैं पैसा ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, ठीक है। और एक बात बता दूँ, निक नेम मतलब आप समझ गए होंगे, तो ये मैं बता दूँ कि ये वाला नाम नहीं दिखाएगा, सीधा जो निक नेम वाला डालेंगे वही नाम दिखाएगा। उसके बाद आपको सब चीज़ ठीक है तो उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, यहाँ पे सब चीज़ मिला लीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड, उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक करना है, उसके बाद जो भी आपका एमपिन है वो आपको डाल देना है। यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी एड सक्सेसफुल हो गया, अब आपको ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे नाम नहीं दिखा रहा है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे होम पर क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अभी देखिए इसका चार्ज वर्च कुछ कटा नहीं है, इसके लिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है, और फिर से आकर चेक करना है यहाँ पर, फिर से आपको ट्रांसफ़र टू अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से इस पर, अब आपको फिर से सेलेक्ट बेनिफिशियरी पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो रामू के नाम से मैंने ऐड किया था अकाउंट नंबर वो आ गया, तो आप लोग जो भी ऐड किए रहेंगे वो आ जाएगा। जैसे कि मेरे को रामू को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो ए वाले पे मैं कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बस पैसा डालने को रहेगा। अगर मैं सामने वाले को अकाउंट नंबर ऐड नहीं करना होगा तो जैसे मैं पहले बताया हूँ कि बस अकाउंट नंबर डालो लो के आप पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, अकाउंट नंबर सेव नहीं होगा। बट ये सेव जब कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा कि बाद में भी आपको उनसे अकाउंट नंबर नहीं मांगना पड़ेगा। अब आपको जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करना है, अब आपको अमाउंट फिल करना है जितना चाहे उतना, और उसके बाद रिमार्क्स में हाय हेलो कुछ भी, और उसके बाद जिससे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे बताएगा कि चार्ज कितना लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी लग रहा है, ठीक है, चार्जेस विद जीएसटी यहाँ पे देख सकते हैं ₹1.18 लग रहा है। तो आप जितना भी ट्रांसफ़र करेंगे वो जीएसटी के साथ लिया जाएगा, ठीक है। कभी चार्ज लगता है कभी नहीं लगता है, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जब देखिएगा ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको बता दिया चार्ज इतना लगेगा, अब कुछ दिन के बाद इन लोग बदलाव करेंगे तो चार्ज भी नहीं लगेगा, ठीक है। सारा चीज़ ठीक है, कंफर्म पर क्लिक कीजिएगा। अब आपको बस एम पिन डालना है और देखिए पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको जितना ट्रांसफ़र करना हो कीजिएगा, बट मैं आपको बस डेमो के तौर पर दिखाया हूँ ₹100 ट्रांसफ़र करके, और देखिए पैसा ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। सामने वाले
और जैसे मैं बेनिफिशियरी एक्ट करके दिखाया हूँ ना, सेम वैसे ही आपको जिसे कि वैसे करना है। हमें कुछ नया करना होगा तो यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर नंबर दीजिएगा, यहाँ पर नंबर दीजिए। किसी भी बैंक का मुद्रा के ATM मशीन से बिना ATM कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है।